हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, आज हम शक क्षत्रपों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर बात की जाए शक क्षत्रपों की, बात की जाए जिन्हें महाक्षत्रप भी कहा जाता है, जिन्होंने मालवा और महाराष्ट्र में शासन किया था। दोस्तों, ये शक क्षत्रप बहुत ही शक्तिशाली थे, जिनके बारे में हमें जानकारी विक्रम संवत से भी प्राप्त होती है। उज्जैन के शासक ने 57 ईसा पूर्व में शकों को पराजित किया और शकों को पराजित करने के उपलक्ष में ही विक्रम संवत चलाया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं शक क्षत्रपों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने महाराष्ट्र और मालवा से शासन किया। दोस्तों समझना, शक क्षत्रपों में शक, अगर हम शक शासकों की बात करें, कुषाण जो शासक थे वो भी शक शासक थे, ठीक है ना। और कुषाणों के बाद कुछ क्षत्रप भी शासक बनते हैं जिन्होंने कुछ ही क्षेत्र पर शासन किया था, जैसे मालवा और महाराष्ट्र, जिनमें दोस्तों एक नहपान का नाम सबसे प्रसिद्ध है और एक रुद्रदामन का नाम प्रसिद्ध है, जिनका जूनागढ़ अभिलेख मिलता है। और जूनागढ़ अभिलेख से काफी जानकारी मिलती है, सुदर्शन झील के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, आज हम नहपान के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, नहपान के वंश के बारे में पढ़ेंगे, राजधानी के बारे में पढ़ेंगे, और जो सातवाहन शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी से संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे, उसके सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, छह रात वंश, अगर हम नहपान की जब हम बात कर रहे हैं तो नहपान किस वंश के शासक थे? तो दोस्तों, वो थे छह रात वंश के शासक थे, ठीक है ना। समझना दोस्तों, ये दो जो क्षत्रप थे, ये कुषाण शासकों के सामंत भी हम इन्हें कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कुषाण शासकों की आधीनता में इन्होंने शासन किया था। एक छोटी छोटी सी रियासत के क्षत्रप थे ये। लेकिन समय बदलता जाता है, कुषाण वंश कमजोर पड़ता है, उसके बाद दोस्तों ये क्या बन जाते हैं? क्षत्रप बन जाते हैं। और क्षत्रप से, क्षत्रप तो एक इलाके का होता है, समझना, एक क्षत्रप होता है, एक महा छत्रप होता है। इन छत्रप और महाछत्रप को आप समझना दोस्तों, दोनों बहुत ही अलग है। जो छत्रप होता है, इसका अर्थ होता है कि वो स्वतंत्र रूप से शासक नहीं थे, अर्थात एक स्वतंत्र रूप से, पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक नहीं थे, किसी ना किसी की आधीनता में थे, उसे बोलते हैं छत्रप, ठीक। चाहे वो किसी शासक की आधीनता में हो, ठीक है ना, उसे छत्रप बोलते हैं। लेकिन जब महाक्षत्रप का प्रयोग किया जाएगा, उसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से, स्वतंत्र शासक, ठीक भाई। अर्थात जब महाक्षत्रप का प्रयोग किया जाएगा तो वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र शासक होंगे। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं छह रात वंश के बारे में। इस वंश की स्थापना भूमक ने की थी दोस्तों। किसने की थी? भूमक ने इस वंश की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों, इसका कोई अभिलेख प्राप्त नहीं होता, है, ठीक है ना। ये भूमक ने स्थापना की थी मालवा और जो महाराष्ट्र और काठियावाड़ का जो क्षेत्र था वहां पर इसका अधिकार था, ठीक है ना। अगर दोस्तों हम राजधानी की बात करें, क्योंकि एग्जाम में राजधानी पूछ ली जाती है, दोस्तों जो ये छेरात वंश है ये बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि जब हम एनटीए नेट कॉली लेक्चरर एक अच्छे लेवल के जब एग्जाम देते हैं तो इन छोटे छोटे से वंशों से भी प्रश्न बनते हैं। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो शक पढ़ लिया, कुषाण पढ़ लिया, सातवाहन पढ़ लिया, इन्हीं को पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी बहुत ही मोस्ट है आपके लिए, ठीक है ना। अब दोस्तों हम राजधानी की बात करें, इनकी राजधानी क्या थी? दोस्तों, एक आपने पुस्तक लिख पढ़ी होगी, पेरिप्लस एर्थियन सी, जिसे एक अज्ञात लेखक ने लिखा था, पेरिप्लस ऑफ
ऑफ द अर्थियन सी जिसे एक अज्ञात लेखक ने लिखा था, जिसके लेखक के बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती। लेकिन दोस्तों, इस पेरिप्लस से इनकी राजधानी के बारे में पता चलता है, भारूकच्छ। समझना, भारूकच्छ के पास मिनगर, या हम ये से ये भी पढ़ते हैं मिन्ना नगर भी हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये थी दोस्तों इनकी राजधानी। ये राजधानी कहाँ थी दोस्तों? यह महाराष्ट्र और मालवा के बीच में स्थित थी। इस राजधानी को आप याद रखना, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है। ये हो गई छेरात वंश की राजधानी। अभी हम केवल इसके बारे में एक जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे नहपान के बारे में, नहपान के बारे में पढ़ेंगे, जिसका शासनकाल 119 से 125 ईस्वी था। कितना था दोस्तों नहपान का शासन? 119 से 125 ईस्वी था। समझना दोस्तों जो सातवाहन शासक हैं, सातवाहन शासकों ने जो शासन किया था वे महाराष्ट्र से किया था। लेकिन दोस्तों सातवाहनों की स्थिति कमजोर हो जाती है, ठीक है ना। उस समय जब सातवाहनों की स्थिति कमजोर हो जाती है तो महाराष्ट्र पर शासन अधिकार किसने कर लिया? छेरात वंश ने महाराष्ट्र पर अधिकार स्थापित कर लिया, ठीक है भाई। अब नहपान का महाराष्ट्र पर अधिकार हो गया। कौन कौन से इसके क्षेत्र थे? क्षेत्र समझना, कौन कौन से क्षेत्रों पर अधिकार था इसका? मालवा, काठियावाड़ और दोस्तों महाराष्ट्र, ठीक है ना। महाराष्ट्र यहां पर पूना और जो नाशिक था वहां पर अधिकार था। और ये जो पूना और जो नाशिक, यहां का जो छत्रप था, या हम कहें छत्रप एक गवर्नर के रूप में भी काम लिया जाता है, यहां का जो गवर्नर था वे दामाद, जिसका नाम क्या था दोस्तों? उषावदत्त यहां का गवर्नर था, ठीक है ना। उषावदत्त यहां का, जिसे हम कहते हैं ऋषभ दत्त भी कहते हैं। समझना दोस्तों, नहपान का साम्राज्य में पूना भी था नासिक भी था। तो नहपान ने पूना और नासिक में अपना दामाद उषावदत्त को यहां का गवर्नर नियुक्त किया था। किसको? उषावदत्त को या ऋषभदेव को यहां का गवर्नर नियुक्त किया था। दोस्तों ये नासिक और पूना नहपान के साम्राज्य में ही थे, और यहां का जो प्रशासन संभालने वाला था उसका नाम था उषावदत्त या ऋषभदत्त था, जो नहपान का दामाद था। दोस्तों नहपान के साम्राज्य में पुष्कर राजस्थान का उल्लेख भी आता है कि यह भी नहपान के साम्राज्य में था, ठीक है ना, नहपान के साम्राज्य में था। आगे समझना दोस्तों, ये जो नहपान था इसका एक नासिक लेख प्राप्त होता है, इस समय का एक नासिक लेख प्राप्त होता है, ठीक है, नासिक लेख प्राप्त होता है, उससे जानकारी मिलती है कर्षापन 70,000 कर्षापन। कितना? 70,000 कर्षापन का सुवर्ण मूल्य कितना था? सुवर्ण जो मूल्य था वो कितना था दोस्तों? 2000 था। कितना था? 2000। जिससे जानकारी मिलती है कर्षापन और सुवर्ण का जो अनुपात था वह दोस्तों 35 अनुपात एक था, या हम कहें सुवर्ण और चांदी के सिक्कों का जो इस समय का अनुपात था 1:35 था। कितना था? 1:35। एक सुवर्ण सिक्का 35 चांदी के सिक्कों के बराबर था। यह जानकारी जो हमें प्राप्त होती है यह हमें नासिक लेख से प्राप्त होती है। कौन से लेख से प्राप्त होती है दोस्तों? नासिक लेख से प्राप्त होती है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है भाई नहपान के समय
चांदी और सुवर्ण सिक्कों का अनुपात कितना था, चांदी और सुवर्ण के सिक्कों का अनुपात कितना था? तो दोस्तों 35 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के बराबर थे, ठीक है ना। यह जानकारी हमें नासिक लेख से प्राप्त होती है, ठीक है। दोस्तों नहपान ने क्या किया था, नहपान ने, या हम कहें नहपान ने या छहरात वंश के शासकों ने, जब सातवाहन शासकों की स्थिति कमजोर हुई तो उस समय महाराष्ट्र को जीत लिया या छीन लिया। उसके बाद महाराष्ट्र का, या हम कहें सातवाहन वंश का एक शक्तिशाली शासक जिसका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक बनता है। भाई जब गौतमीपुत्र सातकर्णी शासक बना तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिस राज्य को छहरात वंश के शासकों ने, जो महाराष्ट्र वाला जो राज्य था उसे छीन लिया था, पुनः उसे प्राप्त करना था। कहा जाता है दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 16 वर्ष तक अपनी सेना तैयार की, उसका निरीक्षण किया। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक। और फिर 17वें वर्ष में आक्रमण किया महाराष्ट्र पर। और महाराष्ट्र के पास, समझना, गौतमीपुत्र सातकर्णी, इसको थोड़ा साफ कर देता हूं, यहीं पर लिख देता हूं, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 16 वर्ष तक, कितने वर्ष तक दोस्तों? 16 वर्ष तक नहपान। तो दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी इन्होंने, दोस्तों गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 16 वर्ष तक अपनी सेना को तैयार किया अपना पैतृक साम्राज्य को जीतने के लिए, या पैतृक साम्राज्य पर अधिकार करने के लिए। कितने वर्ष तक? 16 वर्ष तक, ठीक है। तो दोस्तों 17वें वर्ष में नहपान के साम्राज्य पर जिसे महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। कहां पर आक्रमण किया? महाराष्ट्र पर आक्रमण किया, ठीक है। दोस्तों ये युद्ध गोवर्धन के पास हुआ था, नासिक के पास एक गोवर्धन जगह है, यहां पर यह युद्ध हुआ था, ठीक है ना। और दोस्तों इस युद्ध की जानकारी पुलुमावी के नासिक लेख से भी प्राप्त होती है। नासिक लेख से प्राप्त होती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये जो युद्ध हुआ ये गोवर्धन के पास हुआ। कहां पर युद्ध होता है? गोवर्धन के पास होता है। दोस्तों नहपान और दामाद क्या नाम था भाई? उषावदत्त। ये दोनों वीर गति को प्राप्त हुए। किसको प्राप्त हुए? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और दोस्तों महाराष्ट्र पर किसका अधिकार हो गया? महाराष्ट्र पर गौतमीपुत्र सातकर्णी का अधिकार हो गया। महाराष्ट्र को जीत लिया। किसने जीता दोस्तों? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। किससे जीता? नहपान से। इसके बाद दोस्तों कहा जाता है जोगलथम्बी, ये जो जोगलथम्बी है यहां पर नहपान का खजाना था, या हम कहें यहां पर मुद्रा छापी जाती थी, यहां पर एक टकसाल था, जिससे जानकारी मिलती है 13,250 मुद्राएं थी। कितनी थी? 13,250 मुद्राएं थी। इन्हें पुनः अंकित करवाया
क्या कराया दोस्तों, इन्हें पुनः अंकित कराया, इन मुद्राओं पर अपना नाम लिखवाया था। किसने? गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। अगर प्रश्न आता है जो जोगल थंबी है वहां पर खजाना था नहपान का, जब नहपान की पराजय हो गई उस खजाने पर अधिकार गौतमी पुत्र सातकर्णी का हो गया और गौतमी सातकर्णी ने 13,250 जो ये मुद्राएं थी इनमें से एक तिहाई मुद्राओं की लगभग माना जाता है, लगभग याद रखना लगभग माना जाता है, उन्हें पुनः अंकित कराया और उन पर अपना नाम लिखवाया था। और दोस्तों इसके बाद नहपान का अंत हो जाता है और नहपान के साथ ही इस छहरात वंश का भी क्या हो जाता है दोस्तों, अंत हो जाता है। तो आप समझना जो नहपान है इसकी राजधानी है कौन सा वंश था, छत्रप और महाछत्रप कौन होते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। पराजय किससे होती है दोस्तों, गौतमी पुत्र सातकर्णी से होती है, जिसकी जानकारी नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। कौन सा है? पुलुमावी के नासिक अभिलेख से भी प्राप्त होती है। और दोस्तों नहपान का साम्राज्य पूना और नासिक में भी था, जहां पर अपने दामाद गवर्नर उषाव दत्त को नियुक्त किया था। तो दोस्तों यह था छहरात वंश और इसके बाद दोस्तों चष्टन वंश, जिसमें हम आपको रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख और रुद्र दामन के बारे में समझाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।